उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद में 25 बच्चों को बंधक बनाने के मामले में पुलिस एनकाउंटर में सिरफरे सुभाष बाथम की मौत हो चुकी है। इन बच्चों को छोड़ने के बदले बदमाश सुभाष ने ग्राम प्रधान पर सरकारी कॉलोनी और शौचालय न बनवाने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को संबोधित एक मांग पत्र दिया था। देर ही सही सुभाष की मौत के बाद विकास कार्यों से अछूता करथिया गांव अब स्मार्ट गांव की श्रेणी में लाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। करथिया गांव में 29 जनवरी को शातिर सुभाष ने पत्नी रूबी के साथ मिलकर 25 बच्चों को घर में बंधक बना लिया था। तकरीबन 11 घंटे चले ऑपरेशन मासूम में पुलिस ने सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया था और इस दौरान पुलिस एनकाउंटर में सुभाष की मौत भी हो गई थी, जबकि उसकी पत्नी रूबी को आक्रोशित भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस गुटबर को अंजाम देने वाली पुलिस टीम की पीठ थपथपाने के साथ ही 10 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की थी। इसी घटना में पुलिस एनकाउंटर से पहले सुभाष ने जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह को एक मांग पत्र दिया था, जिसमें ग्राम प्रधान पर गंभीर आरोप लगाते हुए सरकारी कॉलोनी शौचालय आदि न मिलने से संबंधित शिकायत की थी। अब सुभाष की मौत के बाद विकास कार्यों से कोसों दूर करथिया गांव को स्मार्ट गांव की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। गांव करथिया में छूटे विकास कार्यों को पूरा कराने के लिए मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैसिया ने चौपाल लगाई। चौपाल में आवासों और शौचालय की सूची पढ़कर सुनाई गई। सीडीओ ने छूटे पात्रों के नाम बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पेयजल के लिए टंकी बनाकर पाइपलाइन से घरों में पानी उपलब्ध कराया जाएगा। चौपाल में सीडीओ ने ग्राम पंचायत अधिकारी, लेखपाल, आंगनबाड़ी और आशा बहुओं को पूरे गांव का डाटा तैयार करने के निर्देश दिए। चौपाल में लाभार्थियों के आवास, शौचालय, वृद्धावस्था, दिव्यांग और विधवा पेंशन के फॉर्म भी भरे गए। निर्देश भी दिए थे कि वहाँ पे जितनी भी शासन के द्वारा योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो पेंशन योजना है, चाहे वो शौचालय बनवानी है या आवास योजना है, उन सभी से संबंधित जितनी भी सुविधाएं अधिक से अधिक हो सकती है उन ग्रामीणों तक पहुँचाई जाए और उस गाँव को सैचुरेट किया जाए। तो इसी परिप्रेक्ष्य में परसों हमारी टीम लगी थी और कल हमने चौपाल भी लगाई थी। वरुण दुबे, जनमत न्यूज, फरुखाबाद।